फ्राइडे है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दो दिन से मेरा बेटा घर पे नहीं है, आज वो वापस आ रहा है। वो स्कूल ट्रिप के लिए गया था, आज रात को वो वापस आएंगे, इसलिए मैं उसके लिए और मेरी बेटी के लिए थोड़ा स्पेशल बना रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे का फेवरेट है ये कुल्फी। नहीं बोल सकते हैं, हमारे केरल में मिलते थे, अभी नहीं मिलते, उसको मैंने पहले एक बार खिलाया था। दूध से बनाते हैं और उसके अंदर सेव कुल्फी जैसा, लेकिन उसके अंदर सेविया रहता है, थोड़ा नूडल्स जैसा है, तो वो उसको वो पसंद है। अभी फिर अभी समर शुरू हो गया तो डेली शाम को उनको आइसक्रीम खाने का, मेरी बेटी को, बेटा नहीं खाता, बेटी को आइसक्रीम खाने का दो तीन दिन से उसको वो शुरू हो गया। मैंने सोचा अभी वो बंद करना है, ये है तो थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, सिंपल सा ही है क्योंकि दो तीन दिन से बेटा नहीं है तो हम लोग लेट से उठ रहे हैं। अभी 7:30 हो गया है, संतोष नहाने के लिए गया, तब तक मैंने सोचा अवोकाडो सैंडविच बनाएंगे। वो भी दो तरीके से बनाना पड़ेगा, एक क्योंकि मेरी बेटी को एक इतना पसंद नहीं है तो उसको चीज़ से बना देंगे, अवोकाडो और चीज़ से बनाएंगे, और संतोष को एग और अवोकाडो से बनाएंगे, मे भी वही खाएंगे, एग और अवोकाडो वही खाएंगे। ठीक है चलो बनाते हैं। अभी मैं दूध बॉईल होने के लिए रखा है, 1 लीटर दूध मैंने डाला है, अभी उसका आधा तक होने के लिए मैं वेट करूँगी। जब आधा हो जाएंगे उसका कलर भी चेंज हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसमें सेविया और शुगर डाल दूँगी। तब तक के लिए मैं अभी मेरा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। अवोकाडो सैंडविच के लिए मैंने एक अवोकाडो लिया है और उसको मैं अच्छे से मैश करूँगी, और उसमें मैं सॉल्ट एंड पेपर का सीजनिंग डाल दूँगी, और हाफ टमाटो भी चॉप करके डाल दूँगी, और संतोष को मैं सिर्फ ऐसे ही दूंगी और उसमें एग भी डाल दूंगी। और खुशी के लिए मैंने 2 ब्रेड में घी डालकर और उसके अंदर ये फिलिंग डालकर, चीज़ डालकर मैं टोस्ट करूंगी। अब ये दूध थोड़ा कम भी हो गया है, उसका कलर भी अभी चेंज हो रहा है, पता नहीं कैमरा में वो दिख रहा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये इसका कलर थोड़ा अभी चेंज हो गया है, थोड़ा क्रीमिश कलर आ गया है। अभी इसमें मैं 1/2 कप शुगर डाल रहे हैं, वो कितना मीठा चाहिए आप लोगों को उतना आप लोग डाल सकते हैं। फिर शुगर डालकर 5 मिनट हो गए, मैं सेविया डाल रहे हैं। मैंने 1/2 कप लिया है लेकिन मैंने पूरा नहीं डाला है। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है, उसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी, और इस समय आप लोग इसमें पिस्ता पे कुछ भी नट्स डाल सकते हैं, पिस्ताचियो, आलमंड्स या काजू, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ताचियो में एक अलग सा एक टेस्ट आता है। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रहे, लेकिन मेरी बेटी खुशी को पसंद नहीं है, नट्स इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। अभी ये ठंडा हो गया, मैं अभी इसमें ये डाल रही हूँ।
अभी सुबह का काम सब फिनिश हो गया, अभी खुशी स्कूल गई, मैं मेरे ब्रेकफास्ट की, और उसके बीच में मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप लोग देख रहे थे मैं ब्रेकफास्ट बना रहे थे, फिर वो मीठा बना रहे थे, उसके बीच में मैं कितनी बार मैं ऊपर नीचे जाना पड़ा, क्योंकि खुशी को रेडी करना था और संतोष को ऑफिस जाना था। संतोष ही खुशी को आज छोड़ दिया, लेकिन खुशी को हर चीज़ में मैं चाहिए, वो कुछ वो सब कुछ खुद से करती है, लेकिन हमेशा उसको वो बुलाती रहती है, अम्मा अम्मा करके बुलाती रहती है, इसलिए बहुत सारा टाइम ऊपर नीचे जाना पड़ा, इसलिए मैं कुछ उसके बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज आप लोग देख रहे हैं मैं सुबह पूजा किया, ये डेली का नहीं है, क्योंकि डेली संतोष ही सुबह पूजा करते हैं, और अगर संतोष ट्रैवल पे गया या उसको जल्दी ऑफिस जाना है तो तब उसी दिन मैं करती हूँ, और मैं नॉर्मली शाम को ही पूजा करती हूँ, मैं नहीं तो बच्चे लोग करते हैं ऐसा है। और आज का दिन मैंने किया है क्योंकि आज मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी ने कल मेरा बाल कोम किया था, उसको रात में वो ही डेली मेरा उसको पसंद है बाल कोम करना मेरा, और मुझे भी पसंद है, बहुत अच्छा नींद आ जाती है, और उसी में पता नहीं कल उसने देखो ये उसको शॉपकिन का ही कुछ उसका डॉल के साथ वो खेलती है वो कल पूरा मेरे बाल पे डाल दिया, कुछ स्प्रे था, मैंने सोचा पानी है ठीक है ऐसा कर, और उसके बाद इतना स्मेल मेरे बाल पे आ गया, अच्छा स्मेल है लेकिन मुझे उसमें हेडेक होना शुरू हो गया, वो स्मेल मुझे बहुत अजीब सा लगा, पूरी रात मैं नहीं सो पाई, मुझे ऐसा लगा कैसे भी सुबह हो जाओ शैम्पू कर लो ऐसा लगा, फिर सुबह उठकर मैंने शैम्पू किया है, इसलिए मैं पहले नहीं नहा लिया तो मैंने ही पूजा किया, और इधर ऐसा है कौन पहले नहाते हैं वही पूजा करते हैं सुबह का, और मैं हमेशा सबसे लास्ट में नहाती हूँ, सब लोग खुशी को स्कूल छोड़ने के पहले सबसे लास्ट में मैं नहाती, क्योंकि मैं डेली बाथरूम साफ करती हूँ, मेरा आदत ही हो गई, इसलिए मैं सब लोग का जाने का वेट करती हूँ, मतलब सब लोग पहले नहा लो, और आज पॉसिबल नहीं आज है, लेकिन आज भी मैंने साफ किया है, और इसलिए सब लोग थोड़ा डरते हैं, मैं अगर डेली जल्दी बाथरूम साफ किया तो सब लोग थोड़ा डरते हैं मुझसे, इस घर में सब लोग एक ही चीज़ में, इस घर में नहीं मेरी मम्मी पापा मेरी सास ससुर सब लोग मुझे एक ही चीज़ के लिए डरते हैं, मैं जब उधर जा रहे तो सब लोग साफ़ सफाई शुरू हो जाती है वो एक चीज़ में सब लोग मुझे डरती है, क्योंकि गंदगी देख कर मैं एकदम पागल हो जाती हूँ, मुझे इधर उधर सामान फैला कर और मेन है बाथरूम में एक भी स्पॉट मुझे गंदा दिख लिया तो मैं शायद रोना शुरू करती, अभी ऐसा है, पहले मैं गुस्सा कर लेती थी बहुत चिड़चिड़ा होती थी, अभी क्या है मैं रोना शुरू करती हूँ, पता नहीं इमोशन अलग हो रहा है, अभी मुझे संतोष बोल दे तुमको OCD है, मतलब थोड़ा ओवर क्लीन का प्रॉब्लम है शायद होगा, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, बाकी सब नहीं, किचन और बाथरूम मुझे एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, इसलिए मैं किसी का घर में भी जाकर रुकना पसंद नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी पापा सास ससुर को वो मालूम हो गया तो मालूम है, इसलिए वो लोग हमेशा वो साफ़ रखने का एटलीस्ट मैं जाते वक्त, मेरी मम्मी पापा तो हमेशा एकदम साफ सफाई से रहते हैं, लेकिन सब लोग कोशिश करते हैं मैं जाते तो एकदम और अच्छे से रखने का कोशिश करते हैं, वही आज भी वही है, मैं जल्दी नहा लिया तो सब लोग खुशी भी डरती है, वही है खुशी को भी मालूम है, और खुशी को भी थोड़ा बहुत मेरी आदत पड़ गई, उसको भी अगर वो भी बाहर जाकर किधर भी नहीं जाती, थोड़ी फिर फोर्स करना पड़ती है उसको, वो थोड़ी बहुत मेरे ऊपर गई है वो भी, ठीक है वो बात छोड़ दो। मैं फिर हाँ मैं आप लोगों को बोल दिया था, मैं पहले बहुत गैप लगा दिया मैं ब्लॉग करने में, आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने पूछा था आप क्यों ब्लॉग नहीं डाल रहे, लेट क्यों कर रहे, सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग ही क्यों कर रहे, क्योंकि इसलिए है था जब मैं रोम से वापस आ गया तो जाते वक्त उधर पहुंच गया तो मैंने आप लोगों को बोल दिया मुझे माइग्रेन पेन हुआ है, फिर उल्टी हुआ है, मैंने मेडिसिन खा लिया, और उसी दिन आप लोग नोटिस करें तो मेरे मैक्सिमम इसमें मैं सनग्लास लगा कर रखा था, क्योंकि उधर धूप बहुत था वो भी एक रीज़न है, लेकिन उससे अलावा एक रीज़न है मैं मुझे एलर्जी हो गई, और मेरा पूरा इस आइस का पूरा पार्ट्स पूरा रिंकल्स से होकर ऐसे एलियन का आइस कैसा होता है वैसा हुआ था, और वो लेकिन उस समय इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जब वापस आते वक्त हम लोग बीच में सब गए तो फिर मुझे स्किन
धूप से थोड़ा पता नहीं एलर्जी है, मुझे भी हुआ है, खुशी को भी हुआ है, पूरा स्किन निकलना शुरू हो गया, स्किन टैन हो गया, और खुशी को तो एलर्जी है, तुरंत उसका वाइट स्पॉट आना शुरू हो गया। मेरा तो नाक लंबा है तो सूर्य भगवान ने पहले उधर ही टैन कर दिया, पूरा नाक काला है, बाकी इधर सब टैन नहीं हुआ है, सिर्फ नाक काला है, अजीब सा लग रहा था। फिर लास्ट डे, जब लास्ट डे के दो दिन पहले ऐसा था, पूरा स्किन निकलना, और फिर इधर भी आ गया, इधर भी पूरा स्किन निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद लास्ट डे में भी, जब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे वापस आने के लिए, मुझे फिर से हेडेक थोड़ा जैसा लगना, तुरंत मैंने वही सेम मेडिसिन मैंने खा लिया, और उसके बाद इमीडिएटली मुझे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन नहीं एलर्जी हो गया, पूरा आइस पे बहुत सारा, जब पहले हुआ उससे भी पूरा आइस रिंकल होकर पूरा ऐसा हो गया। इधर मैं डर गई, ये क्या हो गया, जल्दी एज लगना शुरू हो गया, आइस छोटा हो गया, फिर स्वेलिंग आ गया, पैर पे भी पूरा इतना स्वेलिंग आ गया, और फेस है और स्किन निकलना। जब घर पे आ गए, दूसरा दिन उठकर मैं फेस वॉश करने के लिए गया, तो मैं एकदम, मुझसे खुद से देखकर मैं डर गई, है क्या हो रहा है मेरे चेहरे पे, एलियन जैसा, एकदम एलियन कैसा है वैसा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा उसमें, मुझे थोड़ा दुख भी हो गया, ये अभी ठीक होगा, अभी मैं कैसे बाहर निकलूँ, आप लोग विश्वास करेगा नहीं, मालूम नहीं, मैं 2 हफ्ता घर से बाहर ही नहीं निकला, खुशी को लेने के लिए मुझे ही जाना था, वो मैं सनग्लास पहन लेती थी, अगर धूप नहीं है तो भी मैं सनग्लास पहन लेती थी, और मैं ऐसा चेहरा ऐसा ऐसा छुपा कर मैं जाती थी। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हो गया, तीसरा हफ्ता ऐसा हो गया, एक दिन मैंने ऐसे ही दुखी, हमेशा दुखी भाव ऐसे रहते थे, एक दिन मैं खुशी को लेने के लिए बाहर निकल गया तो दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद मुझे याद आ गया मैंने चाबी नहीं लिया है, और उसके बाद फिर मैंने संतोष को फ़ोन किया, उसके पास था एक और चाबी, और ऑफिस से इधर आने के लिए उसको 1 घंटा लगेगा, फिर उसको फ़ोन किया तो उसने बोला मुझे उसका दूसरा ऑफिस उसको जाना है, क्योंकि उधर ही वो बैग रखा है, फिर अभी ये ऑफिस है उसको दूसरा ऑफिस जाना है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा उसको लगाया, मैं तब तक खुशी को लेकर पार गई, उस दिन मेरा वो सारा घबराहट चली गई, क्योंकि एक बार मैं बाहर जाकर फेस कर दिया, ठीक है, उस दिन पूरा वो चली गई, लेकिन फेस पे तभी भी था, लेकिन हाँ वो डर, लोग क्या सोचे, लोग नहीं, मुझे बहुत शर्म थी क्योंकि गंदा लगता था, क्योंकि स्किन कभी कभी हम लोगों को ऐसा ना, किसी का अजीब सा स्किन पूरा निकल कर गंदा लगती थी, पता नहीं मुझे देखकर कोई उल्टी नहीं करा, वैसा वाला ऐसा हो गया था, पूरे आइस पे अजीब सा लग रहा था। मुझे ऑलरेडी थोड़ा ब्लैक डार्क सर्कल है, और वो बढ़ गई, और बढ़कर और रिंकल्स ऐसा था, ऐसा होकर पूरा 4-5 लाइन ऐसा आकर आंख पूरा श्रृंग होकर वैसा था। फिर धीरे धीरे फिर मैंने घर का, उसके बीच में मैंने बहुत सारा होम रेमेडी किया, ओट्स है, विटामिन ई टैबलेट्स, बहुत सारा होम रेमेडी किया, तो धीरे धीरे उसी की वजह से वो जल्दी जल्दी 3 हफ्ते में हाँ कम होते वो आंख का मुझे सरप्राइज है, मैं विटामिन ई टैबलेट से थोड़ा ये किया तो वो जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो गया। फिर अभी टचवुड ठीक है, वही उसी वजह से मुझे, मैं व्लॉग नहीं कर पाई, फिर मैं आप लोगों को दिखाती, मैं उधर से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, मैं दिखाती आप लोगों को, उसमें मैं पहले ये दिखाती हूँ, ये मेरा वेडिंग एनिवर्सरी था, उस दिन संतोष ने एक और दिया था, वो पता नहीं मैंने किधर रखा, कोई तो सूटकेस के अंदर है, फिर उसने ये खरीद कर दिया था उधर से ही, हम अमल्फी नहीं, कैप्री आइलैंड है या पुसितान है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उधर से लिया है, ऐसा है ये। फिर उसके साथ हाँ, उसके साथ 2 ईयरिंग्स भी है ऐसा। फिर ये इयरिंग्स है,
मुझे इयररिंग्स का, मुझे कुछ भी और मत खरीदो, मुझे इयररिंग्स का इतना शौक है, वो भी बड़ा बड़ा इयररिंग्स, क्योंकि मेरे चेहरे पे छोटा इयररिंग सूट नहीं, मेरा चेहरा बड़ा है तो मुझे हमेशा बड़ा इयररिंग्स ही सूट होता है, इसलिए इयररिंग्स किधर भी है, और संतोष को भी मालूम मुझे गिफ्ट देना है तो इयररिंग्स दे दो, नहीं तो घर सजाने का चीज़ दे दो, वही है। फिर उधर से हम लोगों ने लिया है ऐसा एक, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बुक जैसा है, देखो अमल्फी का ही ये इधर स्टोन से है, स्टोन है ये, उसके ऊपर ऐसे ग्लासेस रखना है ऐसा, ऐसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों से दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट मेरा व्लॉग में मैं क्यों मलयालम में और इंग्लिश में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया ऐसे मैं बोला, इतना सारे लोगों ने मुझे उसमें सपोर्ट किया है, सच में मुझे वो बोलने में थोड़ा डर लग रहा था, लोग मेरे बारे में क्यों क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो इतने साल से विदेश में रह रहे हैं और फिर भी ऐसा कैसा है, एकदम डम है ऐसा सोचेंगे सब लोग मुझे ऐसा, लेकिन इतना अच्छा कमेंट आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और इतना अच्छा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते इतना सपोर्ट करने के लिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ, सब लोगों को मैं बोल रहे हैं ना, अभी इतना आप लोगों की वजह से मेरे अंदर इतना मैं खुश हूँ और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे आज खुशी के स्कूल में जाना है, क्योंकि खुशी नेक्स्ट स्कूल नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, वो क्लास वो लोग दिखाने वाले हैं आज, इसलिए अभी जाना है उधर, मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सुबह आप लोगों को बोल दिया था ना खुशी का स्कूल में जाना है, और खुशी का स्कूल गया और उसके बाद आकर मुझे घर में बहुत सारा काम था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्योंकि मैं कपड़ा मुझे बहुत सारा डालना था सूख वाश करने के लिए भी, और उसके बाद सूखने के लिए डाला था मैं, फिर मैंने लंच किया और उसके बाद मैंने एकदम सिंपल तरीके से थोड़ा कलकत्ता स्टाइल से बंगाली स्टाइल से आज मैंने बनाया था, थोड़ा राइस में पोटैटो मैश कर उसमें थोड़ा ओलिव ऑयल नहीं मस्टर्ड ऑयल डालकर ग्रीन चिली सब थोड़ा अच्छे से मैश कर ओनियन भी डालते हैं ऐसे मैश कर वही आज मेरा जल्दी जल्दी में वही हुआ, क्योंकि मैं स्कूल से आ गया लेट से आया था, फिर जल्दी वही बना पाया, लेकिन बहुत टेस्टी है वो। और उसके बाद फिर बर्तन था वो सब थोड़ा साफ़ किया, फिर उसके बाद फिर मुझे खुशी को लेने के लिए टाइम हो गया तो उसको लेकर आई, फिर उसको उसके लिए कुछ स्नैक्स बनाया खिला दिया, और वही टाइम पास है, फिर से वैक्यूम करना पड़ा क्योंकि पूजा का टाइम हो गया, फिर पूजा किया डिनर बना दिया और मेरा डिनर भी हो गया, क्योंकि मैं 6:30 को मैक्सिमम 7 o'clock उसके पहले मेरा डिनर तो हो जाते मेरा सिर्फ मेरा ही, और अभी संतोष भी आने वाला है मेरे बेटा भी आने वाला है, क्योंकि 6:45 को चुंगसी स्कूल पहुंच के अभी इधर 7:45 हो गया है, वो अभी आ जाएंगे घर पे आ जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं और चुंगसी वेट कर रहे हैं, खुशी वेट कर रहे हैं, और खुशी उधर बैठकर कुछ देख रही है लैपटॉप में, मैं भी इधर कुछ सीरीज़ है द फॉरेस्ट कर आज ही स्टार्ट हो गया मैंने नेटफ्लिक्स में वही देख रहे हैं, कुछ स्पैनिश है या फ्रेंच ऐसा कुछ है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल आ रहा तो वही थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर रहे वही देख रहे थे, अभी उसका भी वेट कर रहे हैं, अभी उसके कोई दो लोग आकर अभी नो कर गया हम लोगों ने एकदम, मैं तो शूटिंग करना क्योंकि आप लोगों को दिखाना है ना मैं, लेकिन कोई और था एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ आया था वही लोग था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अभी उसका देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों, खुशी हेलो।
डर रहा तू पर अलर्ट हो चुंगसी आ गया इधर देखो अभी टायर्ड हो गया वो आई एम नॉट टायर्ड हां वो ही एक्टिंग कर रहा है टायर्ड होने का एक्टिंग कर रहा है देखो खुशी भी है इधर कम कम About your trip? Eating the food. Eating the food? What else? That's all. That's all. What's the creepiest thing? Nothing. Nothing's creepy. Was there anything creepy for you? Yes, he said something. I didn't say anything scary. What? You're scared of something. Nothing. You're scared I'm not scared of anything. You are a ghost. You're an alien. He thought things. ठीक है अभी मैं चुंगसी को कुली की बोई ऐटा ओ சரி சரி ஒரு மிண்ட் சேட்டக்கு சாப்பாடு கொடுக்கட்ட கூசி சல ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മ ചേട്ടയ്ക്ക് ചാപ്പാടുണ്ടാക്കട്ടെ അമ്മ ചേട്ടയ്ക്ക് ചാപ്പാടുണ്ടാക്കട്ടെ ഞാൻ കുഷിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാം ഡിന്നർ വരെ ठीक है मैं अभी I have new haircut. हाँ उसका हेयर हेयर कट कुछ डिफरेंट नहीं है छोटा थोड़ा सा छोटा कर दिया उतना ही है And also, they also put spray on my face. हाँ. Tell what? And I ठीक है अभी मैं ठीक है मैं अभी चुंगसी खुशी ओके ओके खुशी वन मिनट लेट मी टॉक ठीक है मैं अभी चुंगसी को चुंगसी के लिए डिनर बना दिया अभी चपाती बनाना है वो बनाने जा रहे हैं आज उसका फेवरेट है ओ आज उसका फेवरेट बनाया है पनीर मिक्सर वेजिटेबल सब्जी बनाया है और सुबह वो स्वीट बना दे तो उसका उसमें थोड़ा और दूध ऐड करके मैंने खीर बनाया वो भी है वो दोनों अभी वो खाएगा ठीक है अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं कमेंट करना भूल नो दैट्स नॉट व्हाट यू से मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब कमेंट And share. Okay. You have to say shiny share. Say it. Shiny share. Go right in the camera. Oh, shiny share. मेरा ये ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना भूलना नहीं अगर कोई भी मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो अगर मेरा ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ भी पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना भूलना नहीं सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और कमेंट करना भूलना नहीं सब्सक्राइब 10 times. हाँ ओके बाय. Bye.